अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दैट वेदर में एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में शटरिंग की बहुत अहमियत है और शटरिंग में लकड़ी की बहुत अहमियत है। तो आज लकड़ी की तलाश में हम मुख्तलिफ आरा मशीनों पर और मुख्तलिफ जगहों पर गए और सोचा कि एक आपको वीडियो बनाकर दिखाया जाए। पाकिस्तान में शटरिंग के काम में दो किस्म की लकड़ियाँ अमूमन तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें से एक सबसे बेहतर पर्पल है और दूसरी जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है वो सुम्बल है। आरा मशीन को वर्कर ऑन कर रहे हैं और एक लकड़ी को पहले सेलेक्ट किया गया है जिसको चीरा जाएगा। लकड़ी को चीरने से पहले मशीन को अच्छी तरह चेक किया जाता है, उसके ब्लेड्स को अच्छी तरह चेक किया जाता है। उसके बाद लकड़ी ट्रॉली में ट्राली की मदद से लकड़ी को मूव किया जाता है जो आगे और पीछे चलती है। ये लकड़ी अब चेकना शुरू हो गई है। ट्राली को आहिस्ता आहिस्ता मूव किया जा रहा है। जैसे जैसे ट्राली चलती जाती है लकड़ी चेकना शुरू हो जाता है। आपके पीसेस कर दिए गए हैं, ट्राली को वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ले जाया गया है ताकि लकड़ी को एक और चीरा दिया जा सके। इसी तरह से लकड़ी को मुख्तलिफ हिस्सों में चीर दिया जाता है, इसके बड़े बड़े टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर उन बड़े बड़े टुकड़ों को मुनासिब साइज़ में जो कि कारीगर चाहिए होते हैं उस साइज में काट दिया जाता है। आप जब भी लकड़ी को शटरिंग के लिए चढ़वाएँ तो उसके पट्टों का साइज़ 9 सूट से ज़्यादा रखें, कम से कम 9 सूट ज़रूर रखें, क्योंकि वो सूखने के बाद 1 से 1.5 सूट कम होता है। तो अगर आपने 9 सूट का साइज़ पट्टे का रखा है तो सूखने के बाद 8 सूट रह जाता है। लकड़ी को बड़े पीसेस में काट लिया गया है और काटने के बाद अब उन बड़े पीसेस से लकड़ी के फट्टे तैयार किए जाएंगे जो कि शटरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। शटरिंग में लकड़ी से जो इजाफी या जायद या बेकार लकड़ी निकलती है उसे साइड पर रख दिया जाता है और उसके बाद में ख़ास किस्म की लाफे तैयार होते हैं जो कि शटरिंग में सपोर्टिंग के काम आते हैं। शटरिंग की ज़ुबान में लाफे कहा जाता है। लकड़ी को चीरने के बाद अब हमारे पट्टे शटरिंग के बिल्कुल तैयार हैं, जिनको लोडर में लोड किया जा रहा है ताकि उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा दिया जाए। मुख्तलिफ साइट में फटे तैयार किए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।